Assalamualaikum viewers, this is Tahir from Awaz Marketing. Viewers, आज की वीडियो हम न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से बनाएंगे और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज एनक्लेव को, उसकी क्या सिचुएशन है. प्राइम जोन 1, 2 को डिस्कस करेंगे, 3 को भी डिस्कस करेंगे, पूरा ओवरसीज बेसिकली डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने पहले जो वीडियोज़ बनाई हैं आपको तीनों चीज़ों के हिसाब से बताएंगे. एक तो हम ऑन ग्राउंड आपको वीडियो दिखाएंगे, साथ मैं आपको मैप पे बताऊंगा और दोनों के दरमियान में बिफोर एंड आफ्टर का जो है वो डिफरेंस बताएंगे. स्टार्ट करते हैं पैराडाइज हिल्स से. ओवरसीज इनक्लेव के अंदर आप सब जानते हैं प्राइम जोन 1 है, प्राइम जोन 2 है, प्राइम जोन 3 है. ये जो आप मैप देख रहे हैं ये बेसिकली प्राइम जोन 1 का मैप है. आगे प्राइम जोन 2 और 3 को भी डिस्कस करते हैं. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. पहला ब्लॉक जो आता है लेफ्ट साइड पे वो पैराडाइज हिल्स है, जो आप इसकी बिफोर आफ्टर की वीडियो हम दिखाते हैं. यहाँ पे खड़े होकर बेसिकली मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी. जी व्यूअर्स, आप मेरे पीछे जो लैंड देख रहे हैं एक हाइटेड और एक बेहतरीन लैंड है, और ये मैं आपको बताता चलूँ ये पैराडाइज हिल्स की लैंड है. ओवरसीज ब्लॉक प्राइम जोन 1 का पैराडाइज हिल्स जो है एक बड़ा स्पेशल फीचर है. उसकी वजह ये है कि ये पीछे लैंड है प्राइम जोन 1 पैराडाइज हिल्स की, और इसके साथ ही बिल्कुल मेट्रो कनाल जो एक्सटेंड कर रही है, और न्यू मेट्रो सिटी के अंदर ये बहुत 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 अच्छा ऑप्शन है. लिमिटेड टाइम लिमिटेड प्लॉट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि जैसे ही आप प्राइम जोन 1 के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहला ब्लॉक जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा वो है पैराडाइज हिल्स. या फ्लैग्स देख रहे हैं, पैराडाइज हिल्स ब्लॉक के जो फ्लैग्स हैं आज लग चुके हैं, और डेवलपमेंट का काम के लिए मशीनरी जो है डिप्लाई होगी. आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे कि ये एरिया जो है वो डेवलप होगा. ये पैराडाइज हिल्स है जिसके सेंटर के अंदर ये मैंने ऊपर ये कटिंग हमने लगाई हुई है. ये बेसिकली बड़ा लेआउट है लेकिन यहाँ पे छोटा कट करके लगाया हुआ है. इसके सेंटर के अंदर एक हिल पार्क बनाया जाएगा, जो एक आर्टिफिशियल हिल क्रिएट की जाएगी. वैसे भी हाइटेड ब्लॉक है, यहाँ से आपको जो जनरल इनक्लेव है न्यू मेट्रो सिटी का वो आपको ईजिली नजर आता है, वो नीचे है और ये हाइटेड लोकेशन है. इसके सेंटर के अंदर हिल पार्क होगा और उसकी सराउंडिंग के अंदर 5 मरला, जैसे ये 5 मरला है, ये 7 मरला है और ये 10 मरला है. इसकी सराउंडिंग के अंदर 5, 7 और 10 मरला के प्लॉट हैं, और 5 मरला 25 लाख 50 हज़ार, 7 हज़ार जो 7 मरला है वो 35 लाख 50 हज़ार, और जो 10 मरला है वो 45 लाख 50 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा. तो इसकी बिफोर की वीडियो यहाँ से मैंने खड़े होकर बनाई थी. ये एरिया था बिल्कुल, इसकी कटिंग वगैरह नहीं हुई थी और बिल्कुल खाली जगह थी. और इसकी जो आफ्टर की आप वीडियो देखें, दोनों के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस देखें, और टाइम फ्रेम आप देखें कितना कम टाइम फ्रेम के अंदर इस एरिया की सारी कटिंग हो चुकी है, और इस टाइम इसकी गलियां कट चुकी हैं और बहुत जल्द जो है इनको कारपेट कर दिया जाएगा. ये जो बुलेवार्ड है, ये बुलेवार्ड जो है ये ब्लैक टॉप इसको कर दिया गया है, इसको कारपेट कर दिया गया है. यहाँ पे लाइट्स वगैरह जो है वो लग चुकी है, और ये बुलेवार्ड जो है क्लॉक टावर तक रेडी है. क्लॉक टावर जो मक्का क्लॉक टावर बेसिकली सऊदीया के अंदर जो मक्का क्लॉक टावर है, NMC क्लॉक टावर उसका रेप्लिका है. तो ये लोकेशन बड़ी अच्छी लोकेशन है, एक तो हाइटेड लोकेशन है, सेकंडली इसके ऊपर कटिंग लेवलिंग का काम हो चुका है और बहुत जल्दी इसको कारपेट कर दिया जाएगा और पोजेशन अनाउंस किया जाएगा. तो बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्राइम जोन 1 के अंदर. अब वैसे ओवरऑल प्राइम जोन 1 की आप अगर ड्रोन शॉट देखें, इतनी ज़्यादा किस्म की डेवलपमेंट हुई थी, इतनी ह्यूज और मेगा डेवलपमेंट थी कि हम लोग ऑन ग्राउंड खड़े होकर आपको कैमरे से नहीं दिखा सकते थे, बल्कि हम लोगों ने इसको ड्रोन शॉट के जरिए कवर किया है, क्योंकि बहुत मेगा डेवलपमेंट है. इट्स अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट जो BSM डेवलपर्स जो है ओवरसीज इनक्लेव के अंदर कर रहे हैं. मैंने नहीं देखा किसी प्रोजेक्ट के अंदर इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. आप सिर्फ ड्रोन शॉट के अंदर देखें कि कटिंग कितनी ज़्यादा है, सारी स्ट्रीट्स जो है ये सारी कट चुकी हैं, और प्राइम जोन 1 ऑलमोस्ट जो है वो सारा उसकी कटिंग वगैरह हो चुकी है, लेवलिंग का काम जारी है, और बहुत जल्द इन रोड्स को कारपेट कर दिया जाएगा. तो जो डेवलपमेंट का काम है प्राइम जोन 1 के अंदर वो बहुत तेज़ी से जारी है. ये पैराडाइज हिल्स का हो गया वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, हमारी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है इस टाइम प्राइम जोन 1 के अंदर, क्योंकि प्राइम जोन 1 के अंदर आप इंटर होते हैं लेफ्ट साइड पे यहीं से इंटरेस्ट है. ये आप देख सकते हैं ये इंटरेस्ट भी बन गई है और ये कटिंग वगैरह सारी हो चुकी है. ये इंटरेस्ट है, इंटर होते साथ ही आगे प्लॉट स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपने न्यू मेट्रो सिटी के गेट से इंटर होना है और वो बुलेवार्ड आपने सीधा आना है और आपने यहाँ पर इंटर हो जाना है. इसके अपोजिट साइड पर प्राइम ब्लॉक है, उसके अंदर भी 5 मरला 7 मरला 10 मरला 12 मरला सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर भी कर सकते हैं. उसके अलावा आगे आ जाता है सुप्रीम विस्टा, ये पूरा ब्लॉक है सुप्रीम विस्टा, ठीक है. ये है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक अभी रिजर्व्ड है, अभी तक ये लॉन्च नहीं किया गया. जब भी लॉन्च होगा हम आपको सारे प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम उसके अलावा ट्विटर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आगाह करेंगे कि ये ब्लॉक लॉन्च हो गया. सुप्रीम विस्टा इसकी सारी बिल्डिंग हो चुकी है, कटिंग आपने ड्रोन के अंदर देखी है, ये सारी कटिंग हो चुकी है, और प्राइम जोन 1 के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज, बल्कि कह सकते हैं सारी फैसिलिटीज रखी गई हैं. जिमनेजियम रखा गया है, इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है, जिमनेजियम रखा गया है, यहाँ पे मस्जिद रखी गई है, ये स्कूल रखा गया है, पार्क रखा गया है, इसके अलावा जो है बटरफ्लाई गार्डन रखा गया है. बटरफ्लाई गार्डन जो है वो बड़ी स्पेशलिटी है,
जिस तरह दुबई के अंदर बटरफ्लाई गार्डन बनाए उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज होंगी बटरफ्लाइज की और वो यहाँ पे रखी जाएंगी ताकि जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों के साथ जाके फैमिली के साथ जाके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सके। उसके अलावा ये गुलशन ज़ैनब पार्क रखा गया है, ये भी एक बहुत अच्छी एडिशन है कि हर जगह पे पार्क रखे गए हैं, ग्रीन एरिया आप देख लें, पार्क 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 पार्क, ठीक है, फिर ये गुलशन अमर पार्क, फिर ये मस्जिद, राउंड अबाउट्स को बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, ये NMC क्लॉक टावर है, यहाँ से आप फिर बुलेवार्ड आगे लेंगे वही बुलेवार्ड एक्सटेंड करेगी और यहाँ पे ये रिवॉल्विंग स्क्वायर जो है वो बनाया गया है। तो ये बेसिकली पूरा प्राइम जोन 1 का मैप है, इसके अंदर आप 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 8 मरला ये सारे प्लॉट जो है वो बुक करवा सकते हैं। और बुकिंग का टाइम मैंने आपको पहले बताया था, आगे बाद में उसकी भी करता हूँ कि बहुत कम है। वजह क्या है कि इसके बाद ये जो एरिया अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो ये प्राइम जोन 2 का एरिया है, इसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ तक सारी कटिंग वगैरह हो चुकी है, आगे प्राइम जोन 2 का टाइम आ गया है। जो लोग प्राइम जोन 2 के अंदर बुक करवा चुके हैं वो रेडी हो जाएं, बैलेटिंग का टाइम आ गया है, बैलेटिंग के अंदर उन्होंने अपने ड्यूज क्लियर करने हैं और इंशाल्लाह उनका बैलेटिंग में नंबर लगेगा और फिर ये सारा भी एरिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो प्राइम जोन 2 और प्राइम जोन 3 इसके साथ ही आगे अटैच है। प्राइम जोन 2 और 3 के लिए कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि नवंबर का मंथ जो है ये लास्ट मंथ है बुकिंग का, उसके बाद प्राइम जोन 2 के अंदर भी और प्राइम जोन 3 के अंदर भी और फर्दर बुकिंग्स नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कंपनी ने जो कमिटमेंट की थी कि हम 31 दिसंबर तक जो है हमारी बुकिंग्स होंगी कोई भी नए प्रोडक्ट की, उसके बाद जो है कंपनी क्लोज कर देगी, तो कंपनी उसी तरफ जा रही है। ओवरसीज इनक्लेव जो है उसका प्राइम जोन 1 जो 1 तो है उसको कंप्लीट हो चुका है, उसकी सारी बैलेटिंग हो गई है, जितने लोगों ने प्लॉट बुक करवाए थे उनको यहाँ पे मिल चुके हैं। 2-3 की बुकिंग जो है वो क्लोज हो रही है, तो जो लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहते हैं वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्राइम जोन 2 और 3 का हिस्सा बन सकते हैं। और इस टाइम यही अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपने डाउन पेमेंट कंफर्मेशन और बैलेटिंग जमा करानी है, और बैलेटिंग जब कंपनी अनाउंस करेगी उससे पहले पहले जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, जब वो फाइल इशू हुई थी नॉट फ्रॉम द डे यू बुक द प्लॉट बल्कि जब कंपनी ने वो फाइल इशू की थी उससे लेके टिल बैलेटिंग डेट जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो आपने पे करनी है और आप बैलेटिंग का पार्ट बन जाएंगे। अगर आप आना चाहते हैं प्राइम जोन 1 के अंदर तो आपको ऑब्वियसली पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर पैसे पहले से जा चुके हैं, डाउन पेमेंट जा चुकी है, कंफर्मेशन जा चुकी है, बैलेटिंग जा चुकी है, उसके अलावा इसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी हैं और प्लस क्योंकि मार्केट की अब इनकी प्राइस भी जो पहले थी वो नहीं है उससे ज़्यादा राइज कर चुकी है, तो वो भी आपको साथ देने पड़ेंगे और उसके बाद आप ये प्लॉट हासिल कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर बहुत जल्द पोजीशन आने वाला है, ये एरिया कटिंग हो चुकी है और बहुत जल्द ये भी तैयार हो जाएगा। प्राइम जोन 1 के अंदर वो लोग आए जिनके पास कैश थोड़ा ज़्यादा है और प्राइम जोन 2 वगैरह के अंदर वो लोग आए जिनके पास अभी तक कैश इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन वो आगे फ्यूचर के अंदर प्लॉट हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो प्राइम जोन 2 है और 3 है ये अच्छे ऑप्शन हैं। अब बात करते हैं पुराने की और नए की, तो पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि ओवरसीज़ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, अमेनिटीज़ मैंने आपको गिनवा दिए हैं, इंटरटेनमेंट की हो गई, स्पोर्ट्स की हो गई, फैमिली जो है इंटरटेनमेंट की हो गई, सारी फैसिलिटीज़ प्राइम ओवरसीज़ इनक्लेव के अंदर जो है वो दी गई हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और न्यू मेट्रो सिटी का हिस्सा लाजमी बने क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी जिस तरह डेवलप कर रहा है वो पेस और वो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और जितने लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है न्यू मेट्रो सिटी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे फ़ायदे उठाए हैं। तो आप लोगों के पास भी टाइम कम है, जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ज़रूर अभी न्यू मेट्रो सिटी का पार्ट बने। जो जनरल इनक्लेव है पार्ट 1 है इसका, सेक्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, पोजेशन के अंदर है, लोग घर बना के उसके अंदर शिफ्ट हो रहे हैं और सेक्टर 2 की बारी है। सेक्टर 2 बहुत जल्द डेवलप करने के बाद ये जो प्राइम जोन 1 है इसके बाद 2 और 3 की बारी है और ये जो है वो सुप्रीम ब्लॉक की जो है वो एक्सटेंशन है। इसके अंदर मस्जिद भी दी गई है, इसके अंदर पार्क्स भी दिए गए हैं, इसके अंदर स्कूल भी दी गए हैं, इसके अंदर जिमनेजियम, इसके अंदर कम्युनिटी क्लब, हर तरह की फैसिलिटीज जो दी गई हैं। तो वो लोग जो वेट कर रहे थे न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक ऑप्शन मिस कर गए, जो जिन लोगों के पास थोड़ी सी बजट कम है लो बजट के लिए ये 3 मरला के प्लॉट्स हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जिनके पास बजट ज़्यादा नहीं है तो वो ये प्लॉट्स भी हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है फ्रॉम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम जिमनेजियम, फ्रॉम मॉस्क और बिल्कुल साथ अटैच है ये गुलशन ज़ैनब पार्क की, ठीक है। गुलशन अंबर पार्क जो है वो ब्लॉक बी के अंदर बना था, उसके पास 3 मरला थे, वो ब्लॉक रेडी है, उसके अंदर बैडमिंटन कोर्ट है और बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का पार्क बनाया गया है। ये उससे बड़ा पार्क जो है गुलशन ज़ैनब पार्क बनाया जा रहा है और इसके साथ ये 3 मरला की सारी कटिंग है और ये भी आप बड़े इजीली हासिल कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी हासिल कर सकते हैं और फुल कैश पे भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने फुल कैश पे लेना हो तो ये आपको पड़ेगा 13.5 लाख रुपए, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लेना हो के अंदर डाउन पेमेंट 8,90,000 आप जमा कराएंगे, उसके बाद आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 30,000 के अराउंड होंगी। सो दिस इज इट आई थिंक फ्रॉम टुडे, आई हैव कवर्ड आई थिंक एवरीथिंग। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आपने करना ये है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह
एक आध वीडियो शायद और ऐड हो जाए, उसके बाद हम लोग एक वीडियो कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जितने भी लोग घर बनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बूम जो है वो इस टाइम न्यू मेट्रो सिटी के अंदर आ चुका है, लोग बहुत ज़्यादा घर बना रहे हैं और लोग आके यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो उनके लिए वो वीडियो होगी और उसके अंदर हम लोग बायलॉज डिस्कस करेंगे कि आप लोग कहीं भी घर बनाते हैं तो आपने क्या बायलॉज फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है, और ये वीडियो हम आपको देंगे ताकि जो लोग इसके अंदर घर बनाना चाहते हैं वो वीडियो देखें और उसके बाद आराम से ईजी होके आएँ और आके घर बनाएं, उनको पहले से बायलॉज का आइडिया होगा कि किस किस तरह मैंने ये घर बनाना है। तो उसके लिए आपने करना है क्या है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारा फेसबुक चैनल आप विजिट कर सकते हैं, पेज विजिट कर सकते हैं, उसके अलावा आप इंस्टाग्राम हमें विजिट करें और ट्विटर पे विजिट करें, और हम लोग जो है जितनी भी ये कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, हमारी जो है वेबसाइट विजिट करें, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर जितना भी ये लेटेस्ट कंटेंट है ये भी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएगा। www.awazmarketing.com विजिट करके आप वहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करनी है, और कोई भी आपने प्लॉट बुक कराना है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। और आपने देखा है कि बिफोर आफ्टर जहाँ पे हम लोग खड़े होकर कहते थे कि यार ये देखें आप इन्वेस्टमेंट करें, विद इन मंथ कह लें, विद इन मंथ बल्कि डेज, विद इन डेज वो जगह चेंज हुई है और आज वो कटिंग वगैरह हो चुकी है और कुछ दिन में कारपेट हो जाएगी। तो मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसी जगह पर करवाएं जहाँ पर आपको फ़ायदा हो। इतना बड़ा आगे भी ब्लॉक था, लेकिन हम लोगों ने कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कही थी आपको समझ आ गई होगी, तो कहाँ पे क्यों आपको कहा है, अजान स्टार्ट हो गई है। व्यूज़ मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। अपना अपने गरीब लोगों का ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मजीद तफसीलात या बुकिंग्स के लिए अभी आप 03041411118 पर रब्ता कर सकते हैं और विजिट आवर वेबसाइट www.awazmarketing.com।